सीएम योगी के बयान से चढ़ा एमपी का सियासी पारा। मध्य प्रदेश में बीमारू राज्य का शोर क्यों? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। योगी प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन दिनों मध्य प्रदेश में तूफानी जनसभा कर रहे हैं। इन जनसभाओं में खास तौर पर उनके बयान में बीमारू राज्य को परिभाषित किया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ ने शाजापुर, पन्ना सहित कई जिलों में सभाओं को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने दिग्विजय सिंह और कमलनाथ पर जमकर तंज कसा। अब कांग्रेस भी बीमारू राज्य के बयान पर पलटवार कर रही है। दरअसल मध्य प्रदेश में इन दिनों सीएम शिवराज और यूपी के सीएम योगी चुनावी सभाओं के मंच से लोगों तक यह संदेश पहुंचा रहे हैं कि जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय मध्य प्रदेश केंद्रीय बीमारू राज्य में हुआ करती थी। मध्य प्रदेश में सड़क, बिजली और पानी को लेकर बेहद परेशान थे। बीमारू राज्य एक ऐसा शब्द है जिसने भारतीय जनता पार्टी को कई विधानसभा चुनाव में लाभ पहुंचाया है, लेकिन इस बार कांग्रेस भी पलटवार करने लगी है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता के मिश्रा के मुताबिक जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां पर भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए। सड़क को लेकर की जा रही है तुलना। के मिश्रा ने आगे कहा कि चुनावी मंच से बीजेपी के स्टार प्रचारक पिछले चार विधानसभा चुनाव से बीमारू राज्य को लेकर अपने बयान दे रहे हैं। बीजेपी को 18 साल तक जनता ने मौका दिया मगर ज्वलंत समस्याएं हल नहीं हुई हैं। अब लोग बीमारू राज्य नहीं बल्कि भ्रष्टाचार मुक्त राज्य की कल्पना कर रहे हैं, इसलिए कांग्रेस का पलड़ा इस बार भारी रहेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और योगी आदित्यनाथ के बयानों में लगभग समानता दिखाई दे रही है। दोनों ही राजनीतिक मंच से यह बयान दे रहे हैं कि जब पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का कार्यकाल था उस समय मध्य प्रदेश में 60,000 किलोमीटर की सड़क थी, जबकि वर्तमान में लगभग 5,00,000 किलोमीटर की सड़क बन चुकी है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव मकसूद अली का कहना है कि ये आंकड़े गलत हैं। कांग्रेस के कार्यकाल में भ्रष्टाचार मुक्त सड़क बनाई गई थी। वर्तमान में जिस सड़क से गुजरा जाए वहां पर टोल टैक्स वसूला जा रहा है। सड़क ने कोई भी योजना मुफ्त में नहीं दी है। पेयजल के मामले में नल जल योजना का प्रचार प्रसार करते हुए कहा जा रहा है कि लाखों परिवार तक बीजेपी सरकार ने नल जल योजना के जरिए पेयजल पहुंचाया है। यह योजना शहर के आसपास ही नहीं ग्रामीण क्षेत्रों में भी काफी कारगर साबित हुई है। वहीं कांग्रेस के तराना विधायक और प्रत्याशी महेश परमार का कहना है कि नल जल योजना में करोड़ों का भ्रष्टाचार हुआ है। गांव में नल तो लगाए गए हैं मगर उससे पानी नहीं टपक रहा है। भाइयों बहनों, दो चीजें बहुत साफ है। एक है जिसको हम कहते हैं समस्या और एक है समाधान। दो ध्रुव हैं। एक ध्रुव है जो नकारात्मक सोच के लिए जाना जाता है, वह समस्या है। और भाइयों बहनों, मैं सच कहूं तो कांग्रेस इस देश की समस्या है। आप मानते हैं ना? देखिए, देश का विभाजन कांग्रेस ने के कारण हुआ, अन्यथा पाकिस्तान और बांग्लादेश नहीं बनते। अगर कांग्रेस के नेताओं की अति सत्ता लिप्सा नहीं होती तो देश विभाजित नहीं होता, अखंड भारत होता, अखंड भारत होता। भाइयों बहनों, लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1947 में देश आजाद होते ही सोमनाथ के मंदिर के पुनरुद्धार का कार्य किया था, लेकिन कांग्रेस के उस समय के नेता देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने सोमनाथ मंदिर के पुनरुद्धार का विरोध किया था। कांग्रेस चाहती नहीं थी कि राम मंदिर का पुनरुद्धार हो, सोमनाथ के मंदिर का पुनरुद्धार हो। कांग्रेस समस्या देने वाली थी। लेकिन भाइयों बहनों, जैसे ही उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की भाजपा की सरकार आई और प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर आज समस्या का समाधान हो गया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।